नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, बीते 15 अगस्त को वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर जो कुछ हुआ, वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर ने वसई विरार महानगर पालिका अधिकारियों को जिस अंदाज में लताड़ लगाई, उसके बाद यहां की राजनीति चरम पर है। और कहीं न कहीं इस मामले के बाद में क्रिया प्रतिक्रिया काफी आई, और कल ही आपने देखा है कि खुद हितेंद्र ठाकुर ने एक बार फिर से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे दिया। उसके बाद आज फिर वसई विरार अंतर्गत विपक्ष एकजुट हुआ, लामबंद हुआ। हालांकि आज विपक्ष ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और इस मामले को बीती हुई बात बोला, लेकिन अब विपक्ष एकजुट होने लगा है। आखिरी सेना उपाध्यक्ष महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल के कार्यालय पर विपक्ष की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता वहां शामिल हुए। और उसके बाद उन्होंने संयुक्त रूप से पत्रकारों से चर्चा की और कई मुद्दों पर बात की। इसमें इन्होंने क्या कुछ कहा वो आप आगे सुनिए वीडियो में। और जैसा कि मैंने अभी कहा, विधायक हितेंद्र ठाकुर का जो मामला है वो मामला अब वसई विरार में शांति पर आ चुका है, ऐसा प्रतीत हुआ। क्योंकि 15 अगस्त को जो मामला हुआ था वो हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष काफी तीव्र प्रतिक्रिया दे रहा था और दूसरी तरफ से प्रशासन आयुक्त वो चुप्पी साधे हुए थे। फिर कल विधायक हितेंद्र ठाकुर ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में उस घटना को लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया और कहा कि वो बोलने का अपना एक शैली है, कोई धमकी नहीं थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को यह बात समझ में आई कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी आगे बढ़कर इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, उनका इस बात पर बोलना या कुछ भी प्रतिक्रिया देना उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। तो यह चीज विपक्ष ने ध्यान में रखते हुए आज विपक्षी पदाधिकारियों ने इस मामले पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन वसई विरार अंतर्गत जनता के कामों को लेकर एकजुट हुए हैं और आने वाले चुनाव में किस तरह से वो बहुजन विकास आघाड़ी को रोकने वाले हैं उसका उन्होंने नमूना जरूर दिखाया। सर, काय विषय झाला आज तुम्ही सर्वपक्षीय या ठिकाणी एकत्रित झालात? कालच आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी त्यांनी जे काही केलेलं वक्तव्य होतं त्याबद्दल त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे, त्यामध्ये तुमचं काय मत आहे आणि तुमचं सर्व पक्षीय मिळून आता काय नक्की झालेलं, पुढे तुम्ही काय काय भूमिका घेणार आहे सर्व पक्षीय मिळून? त्यांनी जी काय प्रतिक्रिया दिलंय त्याच्यावर आम्हाला काही चर्चा करायची नाहीये। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की या वसई विरार शहरामध्ये जे काही प्रश्न आहेत, या वसई विरार शहराला भेसळवणारे जे नागरी समस्या आहेत, त्याच्यावर सगळ्यांनी मिळून एकत्र विचार या ठिकाणी आज केला आणि हे प्रश्न, सामान्य जनतेचे प्रश्न कशा रीतीने सोडवता येतील याचा आम्ही आता ह्या मंचाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणार आहोत। येणाऱ्या काळामध्ये विरोधी पक्षाची काय भूमिका असणार आहे? कारण आपण आतापर्यंतचा जर इतिहास पाहिला तर वसई विरार शहरामध्ये संपूर्ण बहुजन विकास आघाडीचं वर्चस्व आहे आणि कुठे ना कुठेतरी विरोधी पक्षाला आता एकत्र होणं ही काळाची गरज आहे, परंतु तुमचा हा एकत्रितपणा कुठपर्यंत टिकणार आणि कितपत टिकणार? तुमच्यामध्ये काही मतभेद असतील तर ते मतभेद तुम्ही कशा प्रकारे दूर करणार? फक्त ज्या प्रकारे ज्या पद्धतीने हितेंद्र ठाकूर यांनी एक पब्लिसिटी स्टंट घेतला होता तसा तुमचा स्टंट नाही आहे ना, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? नाही, आम्ही या ठिकाणी आज जे जमलेलो आहोत ते एका वेगळ्या भूमिकेतून जमलेलो आहे आणि मतभेद वगैरे हा काय विषय नाही होऊ शकत। जे सर्वसामान्यांचे प्रश्न आहेत हे प्रश्न सुटले पाहिजेत आणि त्या ते प्रश्न सोडवण्यासाठी जे काही आम्ही वेगळ्या वेगळ्या मार्गाने विचार करत होतो आज आम्ही सगळे एकत्र एका व्यासपीठावर आलेलो आहोत आणि या व्यासपीठाच्या माध्यमातूनच आम्ही हे लोकांचे प्रश्न सोडवणार आहोत। क्या आने वाले भविष्य में इस पूरी संगठन को, यानी विपक्ष सर्वपक्षी जो एक हो गया है, इसको इसकी आंदोलन में तब्दील होगा या बड़ी भूमिका, ऐसी कुछ योजना है? अगर ऐसा टाइम आया तो एक बड़ा आंदोलन भी इस शहर में खड़ा हो सकता है। सर, आज आप पे ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि विपक्षी एकता यानी 25 जन है और लाइक ही नहीं है सीधा ये वर्ड, इस पर क्या कहना चाहिए? उसके बारे में मुझे कोई चर्चा नहीं करना है और उसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं देना है। हमारी तो एक ही भूमिका रहेगी कि लोगों के जो प्रश्न है इस प्रश्न को एक ही माध्यम से हम लोग छुड़ाएंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। जल्द आने वाले समय में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, जाहिर मिलेगा, क्योंकि अगर अगर प्रश्न नहीं छूटते हैं
तो एक बड़ा आंदोलन सर्वपक्षीय के माध्यम से इस शहर में खड़ा हो सकता है। आयुक्त की भूमिका अभी भी सवालों के घेरे में, क्या कहेंगे? उस बारे में मुझे कोई चर्चा नहीं करने, क्योंकि वो विषय खत्म हो गया है। हमको जो कहना था हमने कह दिया है उसके ऊपर। लेकिन ये चर्चा परिचर्चा आयुक्त के विषय में ही चालू है, तो आयुक्त का जो विषय है वही आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या विपक्ष जो है वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं नहीं, विपक्ष की ताकत अभी हम लोग दिखाएंगे ना। आज हम पहली बार जमा हुए, हमारा हर प्रयास रहेगा कि हर 8-15 दिन में मिलेंगे और इधर के जो नागरिक समस्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आयुक्त शांत है तो लगता नहीं जब आप समस्या छुड़ाने जाएंगे या आंदोलन करेंगे तो उस समय आयुक्त और शांति दिखाएंगे, उनका डबल चेहरा नजर आ सकता है। हमारे हिसाब से वो विषय खत्म हो गया, हमें उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे विषय पे चर्चा हुई है, हमारे पास बाकी है थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। कैलाश का था। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। लाइक कीजिए वीडियो को। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।